सो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद इम्तियाज़ आलम दिस साइड। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली टर्मिनल 3 से बेंगलोर तक। आज हम एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करने वाले हैं और फर्स्ट टाइम ये है हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस से। इससे पहले हमने इंडिगो से ट्रैवल किया था, विस्तारा से ट्रैवल किया था, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस से ये हमारा फर्स्ट टाइम है। और फिलहाल अभी मैं हूँ अपने होटल रूम में, तो चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं। और अभी 8 बज रहे हैं और 1:30 बजे की फ़्लाइट हमारी, थोड़ा देर पहले ही जा रहे हैं हम। थोड़ा क्या, कुछ ज़्यादा ही, 4-5 घंटा पहले ही निकल रहे हैं ऐसे, क्योंकि एयरपोर्ट में थोड़ा पहले जाना मुझे थोड़ा सही लगता है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए बैग पैक हो गया, जैकेट बस पहनना है, और ये ट्रॉली भी हमने पैक कर लिया है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे चल के आप सबसे बात करते हैं फिर। तो यार हम टर्मिनल 3 पहुंच चुके हैं, और ये एक अलग से डीजी यात्रा के लिए अलग से काउंटर है आई थिंक। इंशाल्लाह अगली बार फिर से करेंगे डीजी यात्रा के लिए। और जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप किसी भी काउंटर से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी एयर इंडिया की फ़्लाइट है या विस्तारा की है तो उसके लिए अलग काउंटर है। आप किसी भी काउंटर से, यानी कि किसी भी गेट से आप जा सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल अंदर चलता हूँ और फिर आप सबसे डिस्कशन करता हूँ। काउंटर बोलने का मतलब है कि किसी भी आप गेट से जा सकते हो, 2, 3, 4, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस एयरलाइन का यही गेट है और दूसरे एयरलाइन का दूसरा गेट है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और सेल्फ चेक इन की मशीन यहाँ पे भी बाहर में भी रखी हुई है गेट के पहले। चलिए अंदर जाके चेक इन करते हैं अपन। हम एंटर कर चुके हैं टर्मिनल 3 पर। इधर है डोमेस्टिक डिपार्चर, उधर है इंटरनेशनल, तो डी काउंटर अपना। चलिए पहले वहाँ चलते हैं। यहाँ से वेब चेक इन आपको करके दिखा देता हूँ मैं। पहले भी मैंने दिखाया था लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से हुआ। बोर्डिंग पास हमने क्लिक करवा लिया, अब चलते सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी चेक तो आप सबको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरा ये सब रखवा दिया जाता है। चलिए उसके बाद आप सबका आपको दिखाता हूँ। चलिए सीधा वहीं चलते हैं पहले। ये अपना सिक्योरिटी चेक, आगे का नहीं दिखा पाऊँगा आपको, सॉरी उसके लिए, क्योंकि माना है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छे से हो गया। और चलिए यहाँ से सीधा लॉन्च लेके चलता हूँ आप सबको। मुझे लगा कुछ एक आध दो सामान रखा जाएगा लेकिन नहीं, चलो हर चीज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। और चलिए लॉन्च एक्सेस चलते हैं अपन, वहीं पर खाते पीते। यार यहाँ पर आपको वेराइटीज़ ऑफ ब्रांड्स की शॉप मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जस्ट ऊपर में आप देख सकते हो एयर इंडिया का अपना अलग से एक लॉन्च है। उनका अपने एक अलग लॉन्च रहता है बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए। ये रनवे का है थोड़ा, और सऊदी अरेबिया एयरलाइंस आप देखो देख सकते हैं खड़ी है।
और फॉग तो लग ही रहा है देख करके कि फॉग है ही। चलिए लॉन्ज में चलते हैं पहले। और ये ऊपर में अपना हो गया फूड कोर्ट, हो गया अपना KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये सब के लिए। और यहाँ पे एक स्मोकिंग एरिया भी जहाँ पे आप स्मोक कर सकते हैं, ये देखिए। और ये हो गया अपना एनकाल्म लाउंज। और ये एनकाल्म लाउंज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए है, या क्लब विस्तार गोल्ड मेंबरशिप है जो जिनके पास, या क्लब विस्तार प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए। हमारा दूसरा लाउंज है, मैं आप सबको वहाँ पर लेके चलता हूँ। बिजनेस क्लास भी है मेरा, लेकिन आज की नहीं है, एक दो दिन बाद की टिकट है, तो इंशाल्लाह वो भी आप सबको दिखाएंगे। और गोल्ड मेंबरशिप अगर आप हैं तो आप इसमें जा सकते हैं विदाउट बिजनेस क्लास टिकट के। चलिए आप सबको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल अब यहाँ से अंदर चलता हूँ। और ये है अपना लॉन्च, अंदर चलता हूँ, पहले चेक इन कर लेता हूँ उसके बाद। सो ये सब बैंक के कार्ड एलिजिबल है, इसका भी कुछ अब फंडा निकल गया है अलग से, एक टर्म एंड कंडीशन आपको बताता हूँ यहाँ से निकल के पहले मैं। सो यार लॉन्च एक्सेस हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी फ़िलहाल अपने गेट की तरफ बोर्ड कर रहे हैं। और एक चीज़ आप सबसे बोलना चाहूँगा कि जैसे लॉन्च एक्सेस करते हैं तो वीज़ा कार्ड आपका तो 2 रुपीज़ लगता है, और मास्टर कार्ड है तो 25 रुपीज़। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे बैंक ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको क्वार्टर में 5,000 स्पेंड करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा। अभी तो कुछ SBI ये सब बैंकों ने नहीं लगाया, लेकिन यस बैंक ये सब ने अप्लाई कर दिया। यस बैंक का अप्रैल से चालू हो रहा है। और एक चीज़ और आप सबसे कहना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट भी यहीं पे कर लिया, लंच भी यहीं पे कर लिया, क्या पता फ्लाइट में कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि 6 बजे लैंड करेंगे हम यहाँ से। और चलिए फ़िलहाल गेट की तरफ ही चलता हूँ। और SDFC बैंक ने तो हद कर दिया है, क्वार्टर में आपको 1,00,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा तब जाके आपको लोन एक्सेस मिलेगा। कितनी बड़ी नाइंसाफी यार, 5,000 समझ आता है यार, लेकिन 1,00,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होता है। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आज के डेट में बढ़ गई है लॉन्च में, पहले उतना नहीं था। और अभी दिल्ली एयरपोर्ट में 2 साल बाद आ रहा हूँ, चलिए सीधा वहीं चलता हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ, कहीं लेट ना हो जाए अपन। और ये अपने एयर इंडिया का बिजनेस क्लास लॉन्च और फर्स्ट क्लास वालों के लिए लॉन्च एक्सेस जो अभी हमने किया था। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है जिसमें लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी हो, तो आपको 1,900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 2 घंटे तक के लिए वैलिड है। आप एक बार जैसे इन करते हैं तो वह तब उस टाइम से लेके 2 घंटे तक ही आप वहाँ पर रह सकते हैं, और आपका जो डिपार्चर टाइम है उससे 3 घंटे पहले ही आप लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप 4 घंटे पहले आ गए या 5 घंटे पहले आ गए, आप सोच रहे हैं कि मैं लॉन्च में ही आगे बैठा रहूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है यार। और अभी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पे भी प्रेयर रूम है, आप जिस भी कास्ट के हों यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पे आके। और मैं बढ़ रहा हूँ अभी अपने गेट पर, 37B अपना गेट है।
और इसका इंटीरियर नॉर्मल ही है, लेग स्पेस तो अच्छा ही है इसमें, मेरे लिए सफिशियंट है। एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा आपको और वही अपना एक ट्रे टेबल, ऊपर में वही अपना रीडिंग लैंप हो गया, और कुछ उतना खास नहीं है। As a part of Tata Group and a subsidiary of Air India, we extend a warm welcome to our jet setters, high flyers, other members of New Passwords program by Tata New and to our guests. In command of the flight is Captain Saurabh Pandya, assisted by Pursuit. और यहाँ पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर हम अभी लैंड किए हैं। यहाँ पर हमारा लेओवर है आधा घंटे का। यहाँ से भी कुछ पैसेंजर डीबोर्ड होंगे, कुछ बोर्ड होंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बेंगलोर जाएंगे हम। और ये एक मिलिट्री बेस भी है ग्वालियर एयरपोर्ट।
यार मैं एक घंटे लेट से पहुंच गया हूं, और चलिए अब सीधा घर चल के आप सबसे बात करता हूं, कॉस्टिंग फेयरिंग हर एक चीज़ बताता हूं। और अभी तो बेल्ट वाले सेक्शन साइड आ गया हूं, चलिए आपसे वहीं पे बात करता हूं मैं फिर। नहीं देखिए आप देख सकते हो, चलिए घर चल के बात करते हैं आपसे। हम घर आ चुके हैं, और जैसा कि आप सबसे कहा था कि कॉस्टिंग ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कॉस्टिंग आप सबको बता देता हूँ, 5050 रुपीज़ हमने पे किया था टोटल जर्नी के लिए, यानी कि दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलोर टू मुंबई के लिए, दो फ्लाइट के लिए टोटल 5050 रुपीज़ हमने पे किया। वो वीडियो नेक्स्ट कल आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और जर्नी एक्सपीरियंस तो एवरेज ही रही, इसमें बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। इसमें डिजी यात्रा के थ्रू आप कैसे यात्रा कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके साथ वो सब भी डिस्कस करूँगा। और प्रायोरिटी बोर्डिंग तो इसमें मिला नहीं, वो तो मुझे विस्तारा में मिलता है, क्योंकि विस्तारा वाला क्रेडिट कार्ड है हमारे पास को ब्रांड। हालांकि एयर इंडिया का भी क्रेडिट कार्ड आता है SBI का, लेकिन वो उतना बेनिफिशियल नहीं लगा मुझे, जिस हिसाब से हम फीस पे करते हैं उसकी जॉइनिंग और एनुअल। और इसके साथ साथ दो तीन और जर्नी अभी हमने किया, उसकी भी वीडियो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और दो तीन दिन बाद आपको इंशाल्लाह बिजनेस क्लास की जर्नी भी दिखाएंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा।